हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के अंदर, स्लाइड शो के अंदर, सेटअप में रिहर्सल टाइमिंग यानी रियाज टाइमिंग एंड रिकॉर्डिंग दोनों को कर लेंगे, ठीक है। और रिहर्सल यानी रियाज टाइमिंग जो होता है, रिकॉर्डिंग से कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि समझते हैं अपने भाषा में रिहर्सल और रियाज टाइमिंग, ये दोनों तो एक ही होता है, रिहर्सल और रियाज टाइमिंग, और उसके बाद रिकॉर्डिंग होता है। देखो, कोई भी अगर वीडियो शूट होता है तो वीडियो शूट या थोड़े बहुत सॉन्ग बनता है या कोई भी जैसे एक्टिंग वगैरह भी होता है, तो पहले क्या किया जाता है, रिहर्सल किया जाता है, रियाज किया जाता है कि हाँ ये मैं परफेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं और इतने समय में कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो पहले रियाज कर लो, ठीक है, और रियाज के बाद क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे कि हाँ उस भाषा को या उस चीज को आप सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि रिहास और रिहर्सल दोनों एक ही फंडा है, ठीक है। तो हम लोग रिहर्सल पे क्लिक करते हैं, हम अपने भाषा में रिहर्सल जिसे कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ओपन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट हो गया टाइमिंग, चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बाय इथिकल बॉय, ये मैं रियाज किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट पे जाऊंगा, ठीक है। चलो अगला आया, ये भी स्टार्ट हो गया। लास्ट में इस चीज को, इस चीज का रिजल्ट देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इज ए, व्हाट इज कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेन। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप बाई चार्ल्स फेबेज नियर बाई 19th century। इट टेक इनपुट डाटा फॉर द इनपुट डिवाइस स्टोर एंड प्रोसीड इट टेक प्रोड्यूस आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पहले इनपुट लेता है कंप्यूटर, उसके बाद वो किस उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। चलो अगले फंडे के ऊपर बढ़ते हैं। अगला फंडा है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, में सबसे पहला जो होता है हार्डवेयर, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, सीपीयू होता है, ईटीसी। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्लाइड ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ अपना हट रहा है, यानी कि फिर से जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट टोटल जो टाइमिंग है 1 मिनट 42 सेकेंड। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी को बोलेगा कि सेव कर लो इसे, ठीक है, ताकि आपका टाइमिंग शेड्यूलिंग में, टाइमिंग का रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत ना हो, उतने टाइम में ही आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि मैं फ्लो फ्लो में वीडियो लंबा बना देता हूँ तो बच्चा लोग देखते नहीं है, तो उसको शेड्यूल करना पड़ता है कि हाँ इतने समय में मैं कंप्लीट कर देना कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, 1 घंटा में मेरे को कंप्लीट करना है, तो उसका शेड्यूल बनाएंगे, यानी कि रिहर्सल करेंगे और उसको अच्छे तरीके से छोटे छोटे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो उसी को कहते हैं रिहर्सल, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। तो हमने 1 मिनट 45 सेकंड का रिहर्सल किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, रिकॉर्डिंग पे और फॉर बिहाइंड मतलब बिगिनिंग मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से, और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ क्लियर। तो इसमें क्या होता है, ये क्लियर अगर कर दोगे ना तो क्या होगा ना कि जो आपने रिहर्सल किया है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, फॉर बिगनिंग, बिगनिंग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिगनिंग से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाता है 1 मिनट 45 सेकेंड, जो कि वही रिकॉर्डिंग है, सेम सेम वही रिकॉर्डिंग है। अब आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, 1 मिनट इसको चलाओगे तो देख लेना। तो जैसे ही आप देखो ये 16 सेकंड चला था, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखो कितना सेकंड कब से चला था, 44। ये क्या किया था, 44 से चला था, 44 सेकंड तक चला था वो 16 सेकंड, उसके बाद ये अब तक मतलब 44 पे आके कंप्लीट हुआ था ये, ठीक है। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड कब से स्टार्ट हुआ, देखो फर्स्ट स्लाइड तो कितना देर का, उतना हमको दिमाग पे नहीं आ रहा है, ठीक है, देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जाके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पे ये स्लाइड था, तो ये आपका 44 सेकंड तक चला था ना, देखना 44 सेकंड के बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं,
ये हम सिर्फ हम समझा रहे हैं कि रिहर्सल का यूज रिकॉर्डिंग में कैसे किया जाता है, ठीक है। थोड़ा ये अच्छा टॉपिक है और लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ है, तो आप इसे सीखो, ना आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे चल के आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो क्लियर हुआ ना, अब थर्ड चलने लगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो ये आपका जो रिकॉर्डिंग टाइम है कितना देर का है आपका टोटल स्लाइड का, सॉरी सॉरी, टोटल स्लाइड का आपका जो है आपका ये 44, इसके बाद ये आपका 0 1, देख सकते हो ये 44 सेकंड स्टार्टिंग से करेगा, 44 सेकंड से बनाएगा, ठीक है। यानी कि इतने देर तक रिकॉर्ड परफेक्टली आपका होगा। देखो एक मिनट गाइस, कुछ तो गड़बड़ कर दिया, एक के बाद 3 आ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये रिहर्सल टाइमिंग था, आपने रिहर्सल किया था, अब इसको आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग वगैरह आपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, क्लियर रिकॉर्डिंग ये सभी चीजें एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सपोर्ट भी होगी, ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। जैसे आपने ये किया था ना, ये एनिमेशन चलाया था, तो 1 मिनट 44 सेकंड का क्या होगा आपका एक्सपोर्ट होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑन साइड ऑल स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ऑल स्लाइड का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को सीखने वाले हैं, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का ये जो है आपका थ्योरी है, थ्योरी में चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इस स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लाइड को चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और डेवलप किसने किया था, चार्ल्स बेलर ने किया था, कितने में किया था, 19th century में किया था, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करते हैं हम इसे, तो देखो थ्योरी में लिखा हुआ इट टेक इनपुट डाटा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, उसको क्या करता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है आपसे, ठीक है, डाटा इनपुट लेता है, और उसके बाद क्या करता है, स्टोर करता है, वो क्या करता है आपको, तो डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, एंड उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इट एंड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस में आउटपुट। अब जैसे मान के चलो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया ASDF, ठीक है, तो हमारा जो हुआ हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, ठीक है, और उसे क्या करेगा कंप्यूटर ना, अपने भाषा में लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करके वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो है ASDF लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो समझ गया, ठीक है, और वो अपने अंदर प्रोसेसिंग किया, और वो हम क्या किए हैं, सॉरी वो हम क्या किए हैं कंप्यूटर में, वो हमने इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को, किस लिए, मॉनिटर पे हमको आउटपुट देने के लिए, यानी कि मॉनिटर पे हमें उसे वो आउटपुट दे, तो हमने ASDF इनपुट दिया, और वो क्या किया, प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग में वो समझा कि हाँ ये हमसे आउटपुट मांग रहा है, जो कि ASDF ही मांग रहा है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या देगा, ASDF ही देगा। अब जैसे एक और तरीके से समझ लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे देखो ओवर में चल रहा है, देख रहे हो ना, तो ओवर में चलेगा तो दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे हुआ कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+2, तो वो क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट किया, पहला काम वो किया प्रोसेसिंग के, प्रोसेसर के अंदर जाके, यानी कंप्यूटर के मदरबोर्ड प्रोसेसर जो भी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके अंदर, जिसके अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन यानी कि सोचने की कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो उसके अंदर प्रोग्राम किया होता है बाइनरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या बाइनरी में, ठीक है, तो लो लेवल में, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो लो लेवल में, तो लो लेवल में क्या करता है, वो अपना प्रोसेसिंग करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, फिर लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट कर देता है, तो हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में क्या देगा, छोड़ देगा, राइट। अब जैसे इंसान पे ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम जो है एक ऐसा स्टूडेंट को 2+2 दिए, यानी कि जोड़ने का दिए, उसको जोड़ नहीं आता, तो क्या करेगा, आउटपुट में देगा हमें जोड़ में उसको, जैसे मान के चलो हम उसे 2+2 दिए, अब उसे जोड़ नहीं आता, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर वो स्टोर नहीं है, क्या है,
स्टोर नहीं है, तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं। ठीक है, तो क्या जवाब देगा? जवाब में कुछ भी दे देगा, जिसको पता होगा क्या देगा, फोर देगा आउटपुट में। तो क्या किया हमने, इनपुट दिया 2+2, बताओ कितना होता है। तो प्रोसेसिंग किया आपने ब्रेन के अंदर, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा कि वो आउटपुट में हमको फोर दे देगा। यही चीज था कंप्यूटर। देखो चार्ल्स बैबेज जो दिखते हैं ऐसा दिखते हैं, और वो जो एनालिटिकल कंप्यूटर बनाए थे यानी एनालॉग कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है। अब एनालिटिकल कंप्यूटर कैसा होता है ये सब बाद की बात है, ठीक है। ये सिंपल सा मैं कंप्यूटर लिख यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। और वो भी पूरे तरीके से चार्ल्स बैबेज ने क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। वो 19th सेंचुरी तो दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी में आपका कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, बट यहाँ पे 19th सेंचुरी में कंप्यूटर का आविष्कार हाँ कह सकते हो कि किया गया था, हो गया था, बट उससे पहले भी हुआ था कंप्यूटर का आविष्कार, उससे पहले भी कंप्यूटर बने थे, लेकिन वो प्रॉपर कंप्यूटर नहीं थे। प्रॉपर कंप्यूटर आपका आया फर्स्ट जनरेशन 1946 में, जो कि वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से चलता था, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें उस कंप्यूटर का यूज हुआ था, ठीक है, जो कि चार्ल्स बैबेज ने नहीं बनाया था, ठीक है। उसको चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की नीड रखी थी, और नीड रखने की बात आए तो सबसे पहले एक लेडी ने रखी थी, ठीक है, जो कि आप देखोगे पंच वाला जो कैलकुलेशन होता है, पंच वाला नहीं सॉरी वो 5 और 6 में पढ़ाया जाता है, गोल होता है वो, पता नहीं उसका क्या नाम है, ठीक है। तो वैसा वो होता था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता था, उसे फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया, कैलकुलेशन वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में ये समझो कि चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को नीड रखी थी, कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की थी, बट बीच में क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग देना बंद कर दिया था, तो इसके बाद में वो उस काम को वहीं पे स्टॉप कर दिए थे, ठीक है। तो ये था उनका इतिहास, ठीक है, चार्ल्स बैबेज का। और सेकंड नंबर की 19 सेंचुरी में आविष्कार किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 सेंचुरी। तो एक और मैं फैक्ट बता दूं कि 19 सेंचुरी में बोला गया तो 18 सेंचुरी में, यानी कि 18वीं ईस्वी में 1886 ऐसे करके कोई डेट होगा, ठीक है। तो उसी डेट में आपका जो है चार्ल्स बैबेज डेट कर गए थे, तो 19 सेंचुरी में कैसे आविष्कार कर दिया कंप्यूटर का। तो उनका फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि उन्हीं ने नीड रखा था, यानी कि उन्हीं ने स्टार्ट किया था, चलो भाई कंप्यूटर बनाया जाए, ठीक है, हाइब्रिड या डिजिटल या क्या बोल जाता है एनालॉग कंप्यूटर बनाया जाए, ठीक है। तो उन्हीं ने नीड रखा था, इसी कारण उनका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो 6 मिनट इतना सेकंड का रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें दोनों ऑप्शन हो रहा है तो चलेगा, और वो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपका ये है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में आता है इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस ये सभी चीजें, आउटपुट में आता है मॉनिटर स्पीकर ये सभी चीजें, प्रिंटर जिसमें आपको प्रिंट निकलता है वो प्रिंटर, स्कैनर जो होता है वो इनपुट लेता है, ठीक है। तो वो लोग हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा करके सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो है ये स्लाइड थोड़ा काम कर रहा है निकलने का, एग्जिट होने का, तो यहाँ पे इसी कारण हमको इसको जल्दी समझाना पड़ा, ठीक है। तो कंपोनेंट मतलब होता है कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्लास कंप्लीट हुआ, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो इस प्रकार से पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्डिंग होती है और रिहर्सल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको स्टॉप करनी हो तो क्या करोगे, स्टॉप पे क्लिक करो, नहीं तो पॉज करनी है तो पॉज पे क्लिक करो, अब फिर से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है जैसे पेन वगैरह रेजर वगैरह, मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाला, जस्ट वेट, सॉरी स्टार्ट, ओके पॉज कर दिया, तो कहाँ से स्टार्ट, चलो यहाँ पे रीपोज करते हैं, री मतलब फिर से स्टार्ट करते हैं उसी वीडियो को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि फिर से इसको स्टार्ट करते हैं स्लाइड को फर्स्ट वाले, चलो। अब यहाँ पे अगर मान के चलो आपको क्या करना है, ये इस पे आ जाते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। अगर मान के चलो आपको इसमें से लेजर लेना है, ठीक है, लेजर पॉइंटर, तो आप लेजर पॉइंटर ऐसे लेके बच्चों को समझा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इरेजर लेना हो तो इरेजर भी ले सकते हो, पेन लेना हो तो पेन ले सकते हो, सॉरी पेन लिया, और पेन के बाद कौन सा कलर लेना है ये भी डिसाइड करना होता है, हमने पेन लिया, सॉरी
पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? आई डोंट नो पेन क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है पेन क्यों नहीं काम कर रहा है। ओके चलो काम कर रहा है, काम तो कर रहा है मेरे भाई, छूट गया। चलो पेन ले लिए। हाँ देखो ये पेन काम कर रहा है ना, तो देख सकते हो ये पेन हुआ आपका, और इसी में आपका ये क्या है आपका हाईलाइटर। अगर आपको हाईलाइटर यूज करना हो तो हाईलाइटर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलो आपको क्या करना है कि इरेज करना है, तो आप इसे इरेजर लेके इरेज भी कर सकते हो। देखो इरेजर से इरेज होता है, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे आपका नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्लर, जैसे ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना तो पीछे का जो है ब्लर दिखा रहा होगा, तो अगर आपको ब्लर नहीं कराना है तो शो बैकग्राउंड कर दोगे तो देखो पीछे वाला थोड़ा अब अच्छा दिख रहा है, शो बैकग्राउंड, ब्लर कर दोगे तो ब्लर देख सकते हो, ब्लर दिखा रहा है। तो ये एक एक करके आप देख सकते हो, देखो राइट। अब इसको व्यू देखने का तरीका भी होता है, तो व्यू मैं नहीं, चलो यहाँ पे कर ही लेता हूँ। अगर आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर आप यहीं पे आप इसको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी करके कर सकते हो, और इसके बाद क्या कर सकते हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग हो ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होगे इस बात को, ठीक है। और ये स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करके सुन सकते हो, ठीक है। ओके मैं इसे पोज करता हूँ, और इसे एक्सपोर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस 7 मिनट 35 सेकंड का आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ ये वाला, और वो जो पीछे रिकॉर्डिंग होने वो अलग बात है, इतने देर का ये रिकॉर्डिंग हुआ। तो अगर आप इसे क्या करना चाहते हो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, और एग्जिट यहाँ से करना चाहते हो तो एग्जिट करो, फिर से रिकॉर्ड करना है फिर से रिकॉर्ड करो। अब इसको लोकेशन भी देना होता है, कस्टम भी कर सकते हो, कस्टम एक्सपोर्ट आप कर सकते हो इसको किसी और मतलब चीज पे कर सकते हो, ठीक है, योर चॉइस, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाएगा तो अब यहाँ पे क्या है MP4 में चाहिए तो MP4 में MP4 ही डिफॉल्ट रहने देना। अब यहाँ पे क्या है कि लोकेशन भी सेट करना होता है, ब्राउज करके आप लोकेशन सेट कर दोगे। जैसे मान के चलो मैं डेस्कटॉप करता हूँ तो डेस्कटॉप पे जाएगा, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसका नाम भी आप दे सकते हो, और उसके बाद क्या करोगे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये आपका एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होने में समय लगेगा क्योंकि ये कितने देर का है, 7 मिनट का है वीडियो शूट हुआ, तो 7 मिनट में थोड़ा समय लगेगा, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और इसे भी हम क्या करते हैं ना, मिनिमाइज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट किधर गया, अभी अभी नहीं बन के आया है, आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो थोड़ा देर हम वीडियो को क्या करते हैं ना, फिर पोज कर देते हैं, बीच में हम पोज करते हैं क्योंकि इसको होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जैसे हुआ कि वीडियो काफी मतलब लंबा बन जाएगा, और इसको एक्सपोर्ट भी जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि 7 मिनट का वीडियो है, तो थोड़ा सा समय लेता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, और ये रिकॉर्डिंग को भी यहाँ से हम क्लोज, ये जैसे रिकॉर्डिंग हुआ था ना तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। प्लेबैक इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट प्रेस कर देता हूँ, हट गया, ठीक है। यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, डिलीट प्रेस कर दूंगा, ये हट जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्ड हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है पावर पॉइंट का वीडियो था, ठीक है। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन का अलग से वीडियो बन के आएगा, तो आप देख लेना, कुछ बना भी है तो जाके रिकॉर्ड पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो इस कारण जैसे कि वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफी सारे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।